इंडस्ट्री होते तेव्हा ती एका वेगळ्या पद्धतीने होते. आणि लकी फिल्म बद्दल जेव्हा बोललं गेलं की यामध्ये कास्ट कोण, मला सांगायचं यूट्यूब सेन्सेशन आहे अभय महाजन, आणि अर्थातच कमर्शियली टोटली कमर्शियली फिल्म मधनं तो आपल्याला भेटणार आहे. आणि त्याचबरोबर दीप्तीबद्दल सांगायचं तर साऊथच्या 4 लँग्वेजेसमध्ये तिने ऑलरेडी पिक्चर केले आहेत, खूप जास्त फेमस आहे आणि दादांच्या फिल्ममधनं ती डेब्यू करती आहे. सो तुमच्या दोघांचे अभिनंदन. आणि अभय आज पूर्ण कपड्यात बरं वाटतंय की टायरमध्ये? नाही नाही, खूप जास्त बरं वाटतंय. एवढा काळ मी या वेशात घालवलेला आहे की आता जमेल तेवढे कपडे मी जमेल त्या ठिकाणी घालायचा प्रयत्न करतो. कारण की ऑक्टोबरच्या 10 दिवस म्हणजे 34 डिग्रीमध्ये मी असा नव्हतो पण ॲक्च्युली टायरमध्ये पळत होतो. येस, असा होतो. आणि खूपच विचित्र होतं, म्हणजे आता मी तेच सांगत होतो, आता पणजीमध्ये मी जर गेलो तर मी पणजीमधले सगळे रस्ते स्पॉट करू शकतो. अरे इकडनं मी उघडा पळालो आहे, मी इकडनं उघडा पळालो आहे. तर त्याची ऑफकोर्स मजा खूप जास्त होती. आणि आत्ता म्हणजे इतके सगळे लोक आलेले आहेत कारण की मी आत्तापर्यंत इंडिपेंडंट सिनेमे, छोटे छोटे सिनेमे करत होतो, ते बघायलाही एवढे लोक आलेले नव्हते. आणि आत्ता ह्याच्या ट्रेलर लॉन्चला इतके लोक आलेले आहेत, त्यामुळे खूप जास्त चांगलं वाटतं. आणि थँक्यू ऑल, बप्पीदा आहेत, जितूदा आहेत आणि तुषार सर आहेत, तर थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. या थँक्स लॉट अभय, थँक्स लॉट. दीप्ती, तुझ्याकडे मला जाणून घ्यायचं आहे, साऊथमध्ये तू ऑलरेडी भरपूर फिल्म्स केलेल्या आहेत आणि तू आता एका अशा डिरेक्टर सरांसोबत काम करते की ज्यांच्या फिल्ममध्ये काम करण्यासाठी असे क्यू आहेत की हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा लोक म्हणत आहेत, आणि तुला तो चान्स मिळाला आहे संजय दादांच्या फिल्ममधनं तू डेब्यू करते, तो एक्सपिरियन्स कसा आहे? ॲक्च्युली मला असं वाटतं दॅट मी खरोखरच लकी आहे, कारण असं ऑपॉर्च्युनिटी सर्वांना भेटत नाही. आणि इट्स माय डेब्यू मराठी मूवी आणि संजय दादांबरोबर मला काम करायला करायचं एक्सपिरियन्स आणि यु नो द ऑपॉर्च्युनिटी इज व्हेरी बिग अँड आय एम रिअली हॅपी अँड ग्लॅड दॅट सम हाव आय ॲम अ पार्ट ऑफ दिस मूवी. अमेझिंग. आणि आज तुझा जो बिकनीचा फोटो व्हायरल होतो आहे त्याबद्दल तुला आयडिया असेलच ना? खूप भारी दिसती असतो, हॉट है ना? थँक्यू थँक्यू. आणि हेही पहिल्यांदाच झालंय, तुला माहिती आहे संजय दादांच्या फिल्ममध्ये आतापर्यंत हिरोईन ग्लॅमरस दिसल्या आहेत, छान दिसल्या आहेत, पण बिकनीमध्ये दिसणारी तू पहिलीच आहे, म्हणजे हेही वेगळे. पण अगेन कुछ हटके देना चाहता, मी सांगितलं ना मी खूप लकी आहे, सो आय एम व्हेरी लकी, दॅट्स द फर्स्ट टाइम इट्स हॅपनिंग. थँक यू सो मच, प्लीज हॅव अ सीट. थँक यू. ऑल राईट जजी, ही फिल्म आहे. क्या बात है, जितू सर गुड इव्हनिंग, बप्पीदा गुड इव्हनिंग, तुषार सर थँक्यू, थँक्स फॉर कमिंग. दादा वेगळेपण वेगळेपण म्हणजे किती गोष्टींचा कहरच केला ना, म्हणजे अगदी तारीख बदलल्यापासून हिरोला तुम्ही अगदी ट्यूबवरती आणलं तो. नाही ॲक्च्युली माझी हेअरस्टाईल चेंज केल्यापासून मी खूपच वेगळा दिसायला लागलोय आणि अजून वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागलोय. इंटरेस्टिंग, वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही करत आहात आणि लकी फिल्म मधनं तुम्ही अभय महाजन आणि सतीला इंट्रोड्यूस करतायत, म्हणजे धक्का दिला तुम्ही, सई नाही, स्वप्नील नाही, चक्क तुम्ही हे अन्ना घेतलेलं आहे. ॲक्च्युली काय झालं, बहुत बदनामी सहली आहे मैंने पिछले 5-6 सालों में कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही स्टारकास्ट के साथ काम करता हूँ, एक ही स्टारकास्ट के साथ काम करता हूँ. सो दैट इज द रीजन आई थॉट कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट निकालते हैं कि कोणालाच उत्तर द्यायची गरज नाही लागणार. ॲक्च्युली त्यांना प्रत्येकाला मी हे सांगू शकतो की देख यार क्या आहे, स्टोरी ऐसा है, स्टोरी का डिमांड ऐसा, तो मैं क्या करूँगा यार. सो दॅट इज द रिझन, वेल जोक्स अपार्ट, पण लकी ही जी फिल्म आहे व्हेरी, जसं आपण पोस्टर बघतोय, व्हेरी यूथ सेंट्रिक फिल्म आहे आणि फ्रेश फेसेसची गरज होती या स्टोरीमध्ये, या सिनेमामध्ये. आणि दॅट इज द रिझन आय वेंट टू अभय महाजन, आय वेंट टू दीप्ती सिती अँड आय रिक्वेस्टेड देम. अमेझिंग. आणि सध्या तुमच्यापर्यंत पण व्हिडिओ पोहोचला असेल, अनेक फॅन्सनी पण क्रिएट केलेला आहे कोपच्या सॉन्ग, जे सध्या प्रचंड गाजत आहे आणि कोपच्या सॉन्गच्या माध्यमातून तुम्ही ट्रिब्यूट दिलेला आहे. आणि हेही पुन्हा फर्स्ट टाइम घडलं आहे की मराठी सिनेमामध्ये एका वेगळ्या लँग्वेजच्या गाण्याला ट्रिब्यूट दिला जातो आहे, या हटकेपण तो कमाल काय. ॲक्च्युली कोपच्याचं सगळं क्रेडिट आहे ते अमित राजचं आहे आणि वैशाली सामंतचं आहे ऑफकोर्स, कारण या दोघांमुळे आणि स्पेशली वैशालीमुळे आम्ही बप्पीदांना भेटू शकलो. सो ॲक्च्युली बप्पीदा बहुत दिनों से आपको बताना था लेकिन अभी सबके सामने ये बताने का मौका है, इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन से हम आपके गाने सुन रहे हैं और जब मैं मिला आपको तभी मुझे मालूम था कि मैं एक लेजेंड से मिलने जा रहा हूँ और मैं लेजेंड को मिल रहा हूँ.
लेकिन आपको मिलने के बाद ना एक अलग सा मजा आया. आई वॉज कम्प्लीटली बप्पीदा, आई वॉज कम्प्लीटली थिंकिंग अबाउट बप्पीदा. सो मैंने ऐसे पूरा सर्च किया बप्पीदा ने क्या क्या किया, बप्पीदा ने क्या किया, क्योंकि ऐसे हुआ ना कि बप्पीदा को मिलने के बाद पता चला अरे ये गाना भी बप्पीदा ने किया, वो गाना भी बप्पीदा ने किया. तो मैं बोला यार बप्पीदा ने कौन से गाने किए, और मुझे पता चला कि बम्बई से आया मेरा दोस्त बप्पीदा का गाना है. तब तक सॉरी बप्पीदा, लेकिन ये गाना मैं स्कूल पिकनिक से लेके कॉलेज पिकनिक तक और हम लोग गाते रहे, हम लोग इसमें बड़े हो गए. लेकिन उस आदमी को मैं मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो आई एम रियली ग्रेटफुल बप्पीदा दैट आपने हमारे लिए कुछ गाया. और आई मीन इट वॉज अ डिफरेंट मोमेंट इन माई लाइफ. एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो दूसरे हस्ती आए हैं, जीतू सर आपको भी बताना चाहता हूँ. मौका मिला है मुझे, माइक हाथ में आया इसलिए बोल रहा हूँ. कैसा है ना सर कि ढल गया दिन हो गई शाम बोलते बोलते मैंने बहुत फ्लर्टिंग कर लिया था. लेकिन मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मेरे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे वो आदमी आएगा और वो ऐसे मेरे सामने होंगे और वो मेरा ट्रेलर लॉन्च करेंगे. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एंड आई मीन इट. सो थैंक्स फॉर कमिंग सर. बट ये जो गाना है कोपचा, जीतू सर आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली. सो कोपचा का जो आइडिया है ना, सो जब हमने फिल्म शुरू की और मैंने फिल्म साइन की ना लकी नाम की, तो उस दिन से मैं हमेशा हमारे प्रोड्यूसर के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा. सो मुझे ऐसे लगा कि यार आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम. और जैसे मुझे पता चलने लगा आपके बारे में और सूरज सिंह और आपकी रिलेशनशिप, सो वी थॉट दैट वी शुड मेक हिम हैप्पी, यू नो, एंड दैट इज़ हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ ट्रिब्यूट टू हिम्मत वाला सॉन्ग, कि हमारी तरफ से प्रोड्यूसर को एक तोहफा है और एक ट्रिब्यूट आपके लिए है सर. मला असं वाटतं की संजय दादा या फिल्मला बनवण्यासाठी तुम्हाला ज्यांची सगळ्यात जास्त मदत झाली, अर्थातच या सिनेमाचे प्रोड्युसर सूरज सिंग जी, इनको भी मैं स्टेज पर इन्व्हाइट करना चाहूंगी. सो सूरज सर, आइए सर. सो एक्चुअली सूरज सर से मेरी मुलाकात हुई थी दुबई में when I was shooting for C company. मैं लोकेशन रखी करने के लिए गया था, तुषार सर थे उस फिल्म में. आई वॉज वर्किंग एज ए DOP और तभी सर से पहली मुलाकात हो गई, और पता नहीं वो मुलाकात ऐसे दोस्ती में बदल गई, और वन फाइन डे नाउ वी आर हेयर. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसा एक दोस्त मिला जो प्रोड्यूसर भी है और मेरे साथ फिल्म बनाना चाहता है. सूर्य सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप नॉन महाराष्ट्रीय हो, उसके बावजूद आपने एक मराठी फिल्म को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे. सो बिकॉज लाइक महाराष्ट्र ने सब कुछ दिया है हमें, इनफैक्ट मुझे, हम सबको. सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव अ स्टार्ट विद, लाइक यू नो, सो दैट्स द रीजन, एंड स्पेशली विद संजय दादा, लाइक यू नो व्हेन वी मेट. स्लॉट है सगळा मला ऐकायला मिळालंय, अमित, पंकज एंड वैशाली दी, थैंक्स अ लॉट, प्लीज हैव अ सीट. आणि एक्चुअली उन्होंने हर जॉनर का सिनेमा किया है, राइट, मतलब हर शेड्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. उनके वाइट शूज जितने ज्यादा फेमस थे, उतने ही उनके डायलॉग्स भी फेमस थे. हम उन्हें यू तो जंपिंग जैक बुलाते हैं, लेकिन जब वो डांस करते थे, जब उनका सीक्वेंस आता था, तो उसके पहले वो 4 दिन रिहर्सल करते थे, ऐसे मैंने पढ़ा है. और अब हम सबको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है लकी ट्रेलर लॉन्च की वजह से. मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ हमारे सबके फेवरेट जीतू दा को स्टेज पे. हेलो सर, गुड इवनिंग. नमस्कार सर. नमस्कार, मैं पहले एक्चुअली जय माता दी. यस सर, अभी आपने लकी का ट्रेलर देखा, आपको गाना भी देखा, कुछ याद आया, फ्लैशबैक में गए, क्योंकि जो कोपचा सॉन्ग है उसने आपको कुछ याद दिला दिया होगा. 25 फेब को मुझे लगता है कि हिम्मत वाला को 36th ईयर होने वाला है. अगर ये गाने के स्टेप्स उस वक्त देखे होते, आई वुड हैव बीन मच बेटर डांसर. एनीवे, आप सबको मेरा चेतेंद्र का प्यार भरा नमस्कार. मेरा गला बैठा हुआ इसलिए मैं वैसे भी कोई गाने वाला नहीं हूँ, पर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ.
कहते हैं हमारे ज़माने में नहीं था इतना, पर लेकिन आजकल ये कहते हैं कि आपका ट्रेलर देखकर आपकी पिक्चर को ओपनिंग लग सकती है, बिकॉज द बज़ इज़ क्रिएटेड विद द ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखकर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ इट इज़ गोइंग टू हैव अ बम्पर ओपनिंग। वो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कमिंग इवेंट कास्ट द शेडोज बिफोर, दैट इज़ वाई दिस ट्रेलर इज स्पीकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू कम, इट्स गोइंग टू बी अ बम्पर सुपर डुपर हिट। एंड मेरी तहे दिल से दुआ है ये जो बच्चा है हमारा जिसने पिक्चर प्रोड्यूस किया है, ये शोभा मेरी बीवी को और मुझे माँ बाप जैसे ट्रीट करता है, जेन्युइनली ट्रीट करता वैसे ही। और मेरी बहुत दुआ है कि मालिक इसको इतनी तरक्की दे, बिकॉज ये बहुत काबिल इंसान है, ही जेन्युइनली डिजर्व्स इट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जय माता दी सर। लेकिन कोपचा गाना देखने के बाद आपको याद आई, जरा हिम्मत वाला का वो गाना, उसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? कौन सा? अभी ये कोपचा गाना प्ले हुआ था, हिम्मत वाला का आपका। हाँ नहीं, ये तो तूफान है दोनों, वो आपका डायलॉग भी है ना, उसको क्या मिली मेरे को तूफान मिला काय असं काय तरी आहे, अगदी असंच आहे। आणि सर तुम्ही त्यांना सामान मिळालं, मला तूफान मिळालं, ये पिक्चर भी तूफान है और दोनों ने खूप तूफान मचाया। आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक इट बिग वे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि जिन्होंने पॉप को विसरत असेल तर मी थोड़ा टेंशन मध्ये आहे, ट्रेलर लॉन्च झालाय मला माफ करा। हां सगळे इथे आले तर तिथे कोण राहणार? सर मूवी के ऊपर हम लोग जब बालाजी में बीमार पड़ते थे आफ्टर डिनर एट शूटिंग, तो क्रिटिक घर वाले बोले सर फिल्म का नाम लकी है, तो टाइटल से आपको पता चलता है कि ये लकी की स्टोरी है। और लकी एक ऐसा लड़का है 19-20 साल का जो कॉलेज में पढ़ता है, जो एक्चुअली बाकी उसके दोस्तों के लिए, फैमिली मेम्बर और बाकी लोगों के लिए बहुत लकी है, पर उसके लाइफ में जब उसको कोई चीज़ बहुत मतलब दिल से चाहिए होती है तब वो लक उसको साथ नहीं देता है। और वही है, मतलब एक बैड लक की वजह से चीज़ें कैसे बदलती जाती है। एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है, उससे वो प्यार करता है और उसको प्यार करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में से क्या 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 होते जाता है, यही फिल्म है हमारी लकी। बस अभी ने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कम बोला था मतलब, लेकिन ये बहुत ही आज के ज़माने का मूवी है, कॉलेज का मूवी है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं। एक सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छे और एंटरटेनिंग वे से दर्शाया गया है संजय दादा ने, तो That's what it's a very fun loving movie, light hearted है। आपकी डेब्यू मूवी है, किस तरह से मिली है और क्या, दोनों से क्वेश्चन है, क्या खास बात लगी इस मूवी की, हमें ये मूवी करना ही है, इस बारे में बताइए। क्योंकि संजय सर की मूवीज में नॉर्मली सिद्धार्थ ज्यादा और आप फर्स्ट टाइम न्यू कॉमर्स है, ये भी सरप्राइजिंग है। एक तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि संजय दा ने मुझे बुलाया था। एक्चुअली मैंने इसके पहले चार लैंग्वेजेस में साउथ मूवीज की है, मलयालम किया है, कन्नड़ा किया है, तो आई थिंक मेरा एक मूवी देख के उनकी टीम से मुझे कॉल आया था एंड मैंने
मैंने ऑलरेडी संजय दादा का नाम सुना हुआ था क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, तो मराठी सिनेमा से ऐसे बहुत ताल्लुक है मेरा। तो जब मैंने उनका नाम सुना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मीटिंग के लिए गई, एक ऑडिशन किया और संजय दादा ने बोला कि मैं ऑलरेडी हूँ लीड लक्की की, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड संजय दादा अगर आप बात करेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही चिल्ड आउट है, डायरेक्टर जैसे नहीं ट्रीट करते, यू नो ही डजंट ट्रीट यू लाइक योर एक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर, ऐसे फ्रेंडली बहुत है वो। तो उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत ईजी लगा मुझे और उन्होंने मुझे बहुत कम्फर्टेबल फील कराया है। और ये मूवी मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये मूवी एक आज के ज़माने का मूवी है और मैंने अब तक ऐसे कुछ किया नहीं है, ये फ़न वाला कॉमेडी वाला जोन मैंने ज़्यादातर किया नहीं है। और इस मूवी में मुझे बहुत सारे लुक्स है, गेटअप्स है, तो वो सब कुछ मुझे कोई और नहीं दे सकता था पर संजय दादा दे सकते थे, इसीलिए मुझे मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग उन्होंने मुझे कंसिडर किया। जी मैडम को बहुत सारे लुक्स मिले और मुझे नंगा बजाया है। हाँ ये पहली बार हो रहा है कि एक लड़के को एक्सपोज करने के लिए बोला है और मतलब पोस्टर पर एक लड़का एक सिर्फ ट्यूब में है, ना कि लड़की कम कपड़ों में है, तो नहीं इसमें इनका भी दिखने लुक आया है। जी पर एक बहुत छोटा पर वही है, मतलब पर इनका ना वो पोस्टर पे नहीं है सर नहीं एक तो और दोनों भी जो सीन है वो मतलब किसी मतलब फोर्सफुली फिल्म में डाले नहीं है। हाँ। अगर कोई स्विमिंग टैंक के पास होगा तो स्विमिंग टैंक में ऑफकोर्स आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाओगे, और उसी तरह से मतलब कुछ तो बहुत ही अनलकी सिचुएशन लकी के लाइफ में आती है इसलिए उसका टायर पहन के घूमना पड़ता है, तो वो वैसा वाला सीन है। कॉमेडी फिल्म है, हमें लगा बहुत ही कॉमेडी, कम्प्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म है। लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब स्टेज पे आए आप जितेंद्र दा ऑलरेडी थे, जी जब डांस करने के लिए क्या चल रहा था माइंड में, और जब आपको मालूम पड़ा कि इनके साथ डांस करने के पहले से मालूम था? नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था, एक तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, एक तो क्या हुआ कि मैं जब बैठा था और जीतू दा अब स्टेज पे आए, मुझे देखा था कि उनके पैर को थोड़ा मतलब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, थोड़ा उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पर उनको डांस करने के लिए बोला मुझे पता नहीं था ये डांस करेंगे नहीं करेंगे, और अचानक से गाना बजने के बाद उन्होंने जिस एनर्जी से शुरू किया तो मतलब मैं थोड़ी मौका छोड़ूंगा यार, मतलब मैं भी पूरा कर दिया था, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओके फाइनली क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब हर किसी को लगता है कि हम लाइफ में लकी है या हम लाइफ में अनलकी है, तो लकी ये जो कैरेक्टर है उसके साथ हर कोई रिलेट कर सकता है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, तो ज़रूर देखिए, हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आपको सिर्फ टिकट निकाल के थिएटर में आना है, बाकी कुछ नहीं करना है। थैंक यू।